You. California dreaming about you. Hello, hi, namaste. मैं आपका भाई रतन। आज दोस्तों मैं आप लोगों को पीसीबी के बारे में बात करने वाला हूँ, जो एक बार मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ। ये पीसीबी मिल आया दोस्तों jlcpcb.com से, तो मैं दिखा देता हूँ आज आप लोगों को पीसीबी को। ये देखिए पीसीबी है दोस्तों। मैं आगे सोचता था कि मेरे को ज्यादा कभी कभी ज्यादा पीसीबी की जरूरत रहता, तो 10-15 तो प्रोजेक्ट एक ही चीज का पीसीबी का किसी को देना रहता था ना, तो सबको एक एक बार बनाना पड़ता था, तो मैं थोड़ा दिक्कत में जाता था। लेकिन अब JLPCB ने कुछ ज्यादा आसान अपने लिए बना दी है। अब हम क्या करेंगे, मैं निकाल के दिखाता हूँ। ये बड़ा छोटा आपके प्रोजेक्ट के ऊपर है दोस्तों। देखिए ये पीसीबी बन के आया है रेडी दोस्तों। ये आपका बड़ा रहेगा पीसीबी तो भी उतना पड़ेगा, छोटा रहेगा तो भी उतना पड़ेगा, इतना दिक्कत की बात नहीं है। ये दोस्तों 10 पीस का $2 लेता है। $2 मतलब 120 रुपया 10 पीस का। तो आप लोगों का प्रोजेक्ट ज्यादा है, आपको किसी को बेचना उचना रहता है, तो पीसीबी बनवाना रहता है, तो आप JLCPCB से बनवा सकते हैं दोस्तों। देखिए इसका डिजाइनिंग भी मस्त है दोस्तों, और ये कोई सा भी कलर का मिलेगा, रेड, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट, ब्लैक, जो कलर का आप मांगेंगे वो कलर का आपको पीसीबी मिल जाएगा। मेरे को इसी प्रोजेक्ट का जरूरत था, इसीलिए मैं छोटा सा मंगाया हूँ। आप लोगों को बड़ा पीसीबी रहेगा तो भी 10 पीस का $2 120 रुपया समथिंग, एक पीस का 10 या 12 रुपया समझे। ये पीसीबी बहुत ही अच्छा है दोस्तों, क्वालिटी भी अच्छा है। देखिए ये 2mm वाला है दोस्तों, और 2 लेयर वाला है ये, और 4 लेयर वाला। ये अब 2 और 4 लेयर क्या होता है वो मैं बताता हूँ। शुरू मैं डेस्कटॉप नहीं बताऊ, यही बता देता हूँ आपको। 2 लेयर मतलब ये एक पर एक लेयर हुआ, ये दूसरा लेयर 2 लेयर, और 4 लेयर मतलब अंदर में भी लेयर रहेगा। जैसे ये हुआ, ये अंदर में भी लेयर रहेगा, उसको 4 लेयर बनता है। ये आपका 4 और 6 ये सब आपका डेस्कटॉप में काम आता है। कंप्यूटर बोर्ड जिसका मदरबोर्ड रहता है ना, उसको ज्यादा लेयर की जरूरत रहता है पास ही पास में, उसीलिए उस चीज में काम करता है। ओके, तो दोस्तों आप लोगों की ऐसा पीसीबी जरूरत हो तो आप ले सकते हैं JLCPCB से दोस्तों। इसके साथ ये आया एक ब्रश आता है, ये ब्रश नहीं पेन है, देख सकते हैं JLCPCB.com दोस्तों। ये बहुत अच्छा पीसीबी है, मेरे को जितना सोचा नहीं था, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा निकला ये। देख लीजिए 10 पीसीबी आया है मात्र $2 में, ये आपका क्वांटिटी है। और इसका सर्विस भी अच्छा ही लगा मेरे को, अच्छा है सर्विस सब चीज। तो देख लीजिए आप लोगों को कैसा लग रहा है पीसीबी, पूरा अच्छा देख लीजिए पूरा ये अच्छा बना दोस्तों। तो चलिए मैं इसको कैसे आपको लेना है, कैसा ऑर्डर करना है, तो मैं पीसीबी में आपको डेस्कटॉप में ले जाता हूँ। तो डेस्कटॉप में आप देख लीजिए, आप लोगों को अच्छा लगता है तभी लीजिए दोस्तों। आप लोगों को कोई काम हो, कुछ प्रोजेक्ट बनाना हो, जैसे बड़ा सर्किट रहेगा उसका लाइट यहाँ, तो इसका आप ग्रैबर फाइल बना लीजिए। ग्रैबर फाइल से उसको, ये ग्रैबर फाइल का पूरा बना है, ग्रैबर फाइल बना लीजिए। ग्रैबर फाइल क्या होता है, जो आप लोगों रजिस्टेंस यहाँ इसको जो बिंदी है वो सब चीज को ग्रैबर फाइल से बनाना पड़ता है। तो ग्रैबर फाइल बन गया आपका, फिर उसके बाद अपडेट कीजिए, उसको डालिए, उसमें आपका पीसीबी तैयार हो जाएगा, आपको डेमो दिख जाएगा। तो चलिए हम लोग अब पीसी में चलते हैं दोस्तों। देख लीजिए यही वेबसाइट है JLCPCB.com, ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। ये 10 पीस $2 में बनाते हैं दोस्तों। आप लोगों को कौन सा लेयर मैं शुरू ही बता दिया, 2 लेयर 4 लेयर 6 लेयर जो भी आपको चाहिए उसका मैं बता दिया। तो हम लोग को अभी 2 लेयर चाहिए, तो 2 लेयर में ही अभी क्लिक करेंगे हम लोग। तो 2 लेयर में क्लिक कर लिए, तो उसके बाद खुलेगा ये ग्रैबर फाइल है दोस्तों। ग्रैबर फाइल मैं बनाना बता दूंगा कुछ दिन बाद, मेरे को उतना कंफर्म नहीं हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में ग्रैबर फाइल बताना कैसे बनाते हैं बता दूंगा। तो मैं ग्रैबर फाइल बना लिया था, तो ये मैं अपलोड कर देता हूँ। तो ये ग्रैबर फाइल अपलोड हो रहा है अभी, तो अपलोड थोड़ा सा देर ले रहा है अपलोड होने में, तो ये अपलोड हो रहा है। ग्रैबर फाइल बनाना बहुत आसान है दोस्तों, मैं ज़रूर बताऊँगा। ये देखिए बन गया है फाइल है, ये जो भी पार्ट्स जहाँ जहाँ लगा रहता है उसे ग्रैबर फाइल बोलते हैं, बन गया फाइल। उसके बाद आप लोग नीचे करना है अपने को, नीचे आप लोग ये सब कुछ सब सेटिंग है, खाली आप लोगों को जो कलर चाहिए उसको कर सकते हैं आप लोग। मेरे को ग्रीन था, ग्रीन ले लिए, रेड येलो जो भी आपको चाहिए कलर, वो कलर यहाँ से ले सकते हैं आप लोग। वो कलर के बाद नीचे कर लेना, सब सही है, फिर उससे कुछ करने ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद आपको जो पीस कितना क्वान्टिटी में चाहिए, तो मेरे को 10 चाहिए था, 10 ले लिया। आप सेव कार्ड कर देंगे, सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद आपको डायरेक्टली, ये थोड़ी देर ले रहा है, सेव हो गया। फिर उसके बाद आप लोग को चेकआउट करना है, ये देख लीजिए लिखा है 10 पीस का $2। तो अब यहाँ से आप लोगों को चेकआउट करना है, तो मैं चेकआउट कर लेता हूँ यहाँ से। ये चेकआउट हो गया दोस्तों,
यहाँ ऊपर में एड्रेस फिल करना है आप लोग, कहाँ अपना घर है आपका, क्या सब चीज़ में डालना है, ऐड करना है तो ऐड कर लेना आप लोग। फिर नीचे आते हैं, नीचे में आप लोग पेमेंट मेथड डालना पड़ेगा, थे पेमेंट मेथड नीचे है, ठीक है देख लीजिए, ऐड कर लेना। फिर पेमेंट मेथड है, पेमेंट मेथड कैसे करना है, आपस पे पेपल है तो पेपल से कर सकते हैं, और पेपल नहीं है तो डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट डेबिट जो भी हो गया। हो गया दोस्तों, इसके बाद आप पूरा भर लेना, उसके बाद हो गया तो इसको देख लेना आप लोग, चेक कर लेना पूरा अच्छा से, उसके बाद आप लोग कन्फर्म कर देना आपका, ये आपका हो जाएगा ऑर्डर। तो अच्छा प्रोसेस है दोस्तों इसका, ज़्यादा इतना टाइम नहीं लगता है ये, आप लोग कन्फर्म करने के बाद ये कंफर्म आ जाता है, आपको डेट बता देगा कौन सा कुरियर कहाँ से ले रहे हैं आप, इसका डेट। दोस्तों आप लोगों को ऐसा पीसीबी का काम हो तभी लेना, वैसा जरूरत नहीं है। जैसे ये पीसीबी से काम चल जा रहा है तो भी ठीक है, नहीं तो क्या होता कभी कभी मेरे पास 10-10, 20-20 पीस का ऑर्डर आ जाता है, तो ऐसे प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, तो सबको एक एक बार में बनाना बहुत मुसीबत हो जाता है। इसी का पूरा ऐसा ग्रेवर फाइल बना लो, ऐसा सर्किट मिल जाता है, तो आप लोग इसमें बहुत ही जल्दी काम हो जाएगा, बहुत ईजिली हो जाएगा, और जगह भी छोटा में हो जाएगा। तो आपको लगता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इस वेबसाइट का, तो अब वहां से आप लोग जा सकते हैं लेने, बहुत ठीक है दोस्तों, उतना घाटा का सौदा नहीं है, अच्छा ही है। तो आप लोगों के ऊपर है जो लगे, और ये वीडियो कैसा लगा हो आप लोग तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, ओके। और इतनी कीमती टाइम निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।